फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेटेक हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप एक सैलरी शीट कैसे बना सकते हो, यानी आप एक डाटा एंट्री इंजीनियर हो तो आप किस प्रकार से सैलरी की आप शीट बना सकते हो। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस प्रकार से मैं आपको एक सैलरी शीट बताऊंगा, फुल एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहेगा। शीट नंबर दो में जाते हैं और यहाँ से अब हमको क्या करना है, मैं थोड़ा यहाँ से जूम कर लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, जो एक नंबर है कॉलम, इसको हमको क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, यानी कंपनी का नाम देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके ही इसको मर्ज सेंटर करके यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं। यानी आपके पास जो भी कंपनी है, जिस कंपनी का आप देना चाहते हो ना, उसको आप क्या करना है, नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। फिर आगे और लिख दो सैलरी शीट। कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं तो आप एक नाम रख लो कि सैलरी शीट बना रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से नाम लिख लिया। अब जो नीचे वाला कॉलम है, इसके अंदर हमको क्या करना है, यानी एम्प्लॉय की आईडी लिखनी है। तो एम्प्लॉय की आईडी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये दोनों कॉलम है इनको मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से इसको मर्ज सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से हो जाएगा। ये आप इसे नहीं रखो तो अभी कुछ नहीं, आप एक सिंगल भी रख सकते हो। तो इसके अंदर मैं दे देता हूँ, यानी एम्प्लॉय की पहले आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी में नाम लिख देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है, 10, 15, 20, 25, 100, तो उनकी आप एक आईडी होती है, वो आप आईडी लिख लीजिए, जो भी आप आईडी है, ठीक है? तो मैं यहाँ से आईडी लिख देता हूँ। अब देखो, एक साथ नीचे आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले दो कॉलम के अंदर, यानी मैंने लिखा 100 और 101 लिखे हैं, तो आपको क्या करनी है, दोनों को इस प्रकार से सेलेक्ट करने हैं। जैसे इस प्रकार से सेलेक्ट हो गए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोने के अंदर, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान आ रखा है ब्लैक कलर का, तो आपके पास जितने एम्प्लॉई है आप उनको नीचे इस प्रकार से ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है? तो मैंने 18 एम्प्लॉई है तो आप इतने रख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले दो कॉलम माइनस हो गए तो आपके कितने होंगे, 16 ही एम्प्लॉय रहेंगे। तो आप इतने रख लीजिएगा जितने पास आपके पास एम्प्लॉय है। अब हम मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है? आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है उनका आपके पास नाम आ जाएगा। अब क्या करना है, आप देखो ये पीछे की साइड नाम जा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रफ टेक्स्ट भी कर सकते हो, यानी ये वाला कॉलम बड़ा हो जाएगा। और अब इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो होम टैब के अंदर आपको एलियंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्या कर सकते हो, दोनों जो ये कॉलम आपको मिल रहे हैं इनको आप बीचों बीच रख सकते हो, यानी सेंटर में रख सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से इसको भी सेंटर में रख देते हैं, आप बाद में भी कर सकते हो इस प्रकार से। अब इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो आप टैब बटन दे दीजिए। फिर आपके आगे वाला हम कॉलम लेते हैं, मान लीजिए आपके पास बेसिक सैलरी का है, यानी आपके पास एम्प्लॉय नेम तो हो गया, अब बेसिक सैलरी कितनी है, तो आप वहाँ पे वो कॉलम बना दीजिएगा। मैंने ये बेसिक सैलरी वाला एम्प्लॉय वाला बना दिया, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इसको भी आप बीचों बीच रखना है, इस प्रकार से इसको भी वर्ब सेंटर कर देना, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, तो मैं अगर एक एक एम्प्लॉय के नेम लिखूंगा तो मेरे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे वाली सीट में जाता हूँ और यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय मैंने नाम लिख रखे हैं इनको कंट्रोल सी करता हूँ, और सीट नंबर दो में आके मान लो पास मेरे पास जितने भी है वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला देखो कॉलम यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, तो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तो एक बार हमको यहाँ पे कलर नहीं करना है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, जो बैकग्राउंड है इसको हम कर देते हैं नो फिल, ऐसे हो जाए। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी वाला कॉलम है, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, और यहाँ पे बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे उसको बेसिक सैलरी मतलब उसको आप मंथली कितने हजार सैलरी दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 रुपये सैलरी, ठीक है? अब यहाँ पे जितने भी नीचे हैं तो आप इनको नीचे आप लिख दीजिएगा 14,000 सैलरी,
मान लो हर एक जितने भी इम्प्लॉय होती है किसी की सेम सैलरी नहीं होती है, 5-10 की सेम हो सकती है लेकिन सबकी नहीं हो सकती। इनको सिलेक्ट कर लीजिए जी, और इसको नीचे की साइड ऐसे कर लीजिए, ये सबकी सैलरी नीचे आती रहेगी इस प्रकार से। लेकिन आप जितनी आप दे रहे हो आपको उतनी सैलरी करनी है। बेसिक सैलरी के बाद हमको आगे वाला कॉलम लिखना है वर्किंग डे, यानी 30 दिन या 31 दिन का महीना होता है उसके अंदर उस बंदे ने कितने दिन आया है वो, तो यहाँ पे हम वो कॉलम बना देते हैं वर्किंग डे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, वर्किंग डे वाला ऑप्शन बना देना है। इसको भी क्या करते हैं, वर्क सेंटर कर देते हैं और बाद में करते रहेंगे बीचों बीच। तो अब आपको वर्किंग डे यानी आपने कितने दिन उसने वर्क किया है, तो हमको वो लिखना है कि ये 30 दिनों में कितनी बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसकी भी लिख देता हूँ कितने दिन आया ये। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए तो मैं इन दोनों को ही साथ में ले लूंगा इस प्रकार से, और इनको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी हमारा टाइम बच जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, आगे वाला जो कॉलम उठता है वो उठता है वर्किंग डे अमाउंट, यानी जो जितने इसने काम किया है वो अमाउंट कितना है, तो हमको वो रखना है। तो अमाउंट रखने के लिए मान लो ये इसकी बेसिक सैलरी तो 15,000 रुपये हो गई, लेकिन ये 28 दिन आए तो इसकी वर्किंग डे की वो सैलरी अमाउंट यानी ऐड होगा, तो यहाँ पे वो कॉलम बना देते हैं वर्किंग डे का। ठीक है, इस प्रकार से आप बना दीजिएगा वापस इसको, क्या करो वर्क सेंटर कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है, नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमको वर्किंग डे अमाउंट का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने की जरूरत है, और सारा बेसिक ही नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, और यहाँ हमारे पास कौन सी है यानी कॉलम और रो देखनी है आपको, तो हमको क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी, यानी मैंने बेसिक सैलरी के ऊपर क्या क्या क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है किसको, यानी जितनी हमारी सैलरी है इसको हमको गुणा करना है किससे, 28 दिन को, और बाद इसके अंदर भाग देना है आपको कितने दिन, यानी महीना 31 था या 28 गुण 30, 30 कौन सा था, तो यहाँ पे 30 कर रहा हूँ और इसको एंटर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो हम सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 28 दिन की, वो यानी 14,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है और आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के पीछे कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको नंबरिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप इनको हटा भी सकते हो ऐसे, ये यहाँ से हट गए ऑटोमेटिक, तो इस प्रकार से आपको ये भी कर देना। उसके बाद में आता है मान लो कोई भी बंदा है वो अगर ओवर टाइम करना चाहे, यानी अपनी ड्यूटी खत्म हो गई उसके बाद भी अगर वो जॉब कर रहा है तो वो भी उसके पेमेंट एड होने चाहिए, तो वो आप कॉलम बना दीजिएगा ओवर टाइम। ठीक है, इस प्रकार से आप बना दीजिए। अब ओवर टाइम उसने कितने दिन किया था, तो वो हमको यहाँ पे लिखने हैं, जिस बंदे ने ज्यादा किया है उसने यहाँ पे आप लिख दीजिए। इस प्रकार से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिस बंदे ने भी ओवर टाइम टाइम किया है उस बंदे की यहाँ पे सैलरी बाद में ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आता है ओवर टाइम तो हो गया, तो उसके बाद में अगर आप लो तो ओवर टाइम का क्या होता है, आपको उसके पैसे ऐड करने पड़ते हैं, आपको ओवर टाइम अमाउंट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं ओवर टाइम अमाउंट, इसको क्लिक करके वर्क में टैक्स करके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला याद रख लेना इक्वल, आपको कॉलम रो चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, यानी हमारी जो मेन सैलरी है यानी वर्किंग बेसिक सैलरी है उनमें से ओवर टाइम होता है अमाउंट वो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं उस सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में हमको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ओवर टाइम है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, और फिर आपको वापस से क्या करना है, किसको भाग देना है या 30 से भाग दे देना है इसको, महीने के अंदर जितने दिन हुए हैं उसको आपको वो भाग दे देना है। ठीक है, यानी आपका बेसिक सैलरी में से ही वो ओवर टाइम निकलेगा, क्योंकि
वही सैलरी आपको अमाउंट रही, यानी दिन के 500 रुपये है तो वही एड होंगे वहां पे, तो फिर आप एंटर दे दीजिएगा। तो इसकी ओवर टाइम अमाउंट होता है वो 4,000 रुपये होता है। तो इस प्रकार से आप इसके ऊपर छोटा सा पॉइंट बना के इस प्रकार से क्लिक करोगे तो यह पूरी की पूरी यहाँ पे एड हो जाएगी और इनको आप यहाँ से पे कर सकते हो। अब बाद आगे वाला जो ऑप्शन उठता है वो उठता है आपके, एक तो हमारा ओवर टाइम अमाउंट हो गया, यहाँ पे हमारा आता है हाउस रेंट। यानी कोई कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है वो क्या करती है कि कोई भी एक स्कीम रख के वहां पे कोई भी इम्प्लॉय काम कर रहा है उसको क्या करता है होम रेंट देते हैं, यानी रहने की सुविधा देती है। तो उनके अंदर अगर आपको कुछ स्कीम वगैरह है कि मान लो जिस व्यक्ति की 14,000 या 15,000 रुपये सैलरी है उसको 2,000 रुपया रेंट दिया जाएगा, बाकी के जो व्यक्ति है उनको सिर्फ 500 रुपये रेंट दिया जाएगा, तो फिर हमको यहाँ पे वो लिखना है हाउस रेंट वाला। हाउस रेंट वाला आप कॉलम इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे वापस से हाउस रेंट कितना देना है, तो आपको यहाँ पे वो लिख देना है कि 2,500 रुपये देने हैं या 5,000 रुपये देने हैं, तो वो हमको रेंट लगाना पड़ेगा कि कितना रुपये देगा तब वो आएगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, इक्वल IF का लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है शिफ्ट के साथ कोमा को चालू, शिफ्ट के साथ इक्वल को चालू करना है, फिर आपको जो मेन सैलरी है वो उठानी है, बेसिक सैलरी, ठीक है। यानी 15,000 रुपये जो सैलरी है ना वही बंदा सिर्फ 2,000 का फायदा ले सकते हैं, हाउस रेंट ले सकता है, बाकी के जितने भी सैलरी कम है उनको सिर्फ 1,000 या 500 रुपये ही मिलेगा। तो आप बेसिक सैलरी उठा लीजिएगा वहां से। अब आपको क्या करना है इसको गुणा कर देना है, सॉरी यहाँ पे इसको गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे ग्रेटर देन करना है, ठीक है। बाद में आपको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आपको जो नेट बेसिक जो सैलरी है वो आपको ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ से 15,000 रुपये सैलरी है वो ऐड कर देता हूँ। बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि उसको कितना रुपए से दिया जा रहा है। यहाँ पे मतलब हो जो हाउस रेंट है वो 2,000 5,000 जितने दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,000 रुपये। मान लो 15,000 के जितने भी बंदे हैं या इससे अधिक जितने भी बंदे हैं उनको 3,000 रुपये महीने का रेंट दिया जाएगा, अगर उससे कम है तो आप वहां पे कोमा लगा के दे दीजिएगा 1,000 रुपया। मान लो 15,000 से जितने भी लोग कम है उनको आप 1,000 रुपये रेंट दे रहे हो, और इसको क्या करो ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा और इसको क्या करो एंटर दे। तो यहाँ पे वो नेट अमाउंट है 3,000 एड हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे देखो नीचे ऑटोमेटिक आता रहेगा। यहाँ पे देखो कैसे आएगा, क्योंकि ये 15,000 से बराबर या 15,000 से ज्यादा एक ही बंदा है जिसकी 3,000 रुपये है, बाकी के देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होगी क्योंकि ये 15,000 से सारे के सारे कम है, तो उनको 1,000 रुपये ही हाउस रेंट मिलेगा। आगे वाला देख लो, आगे वाला फिर देखो कौन सा आता है हाउस रेंट कर लिया, तो कुछ कंपनियां क्या करती है मेडिकल खर्चा भी देती है, तो वो भी बना लेते हैं मेडिकल खर्चा का, मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा मेडिकल एक्सपेंस। अब यहाँ पे मेडिकल जो वही सेम फॉर्मूला अपनाना है, जिस बंदे की 15,000 रुपये सैलरी है या 14,000 सैलरी है उसी बंदे को सिर्फ 1,000 रुपया दिया जाएगा, अगर मेडिकल के अंदर कुछ उसको अगर प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ उतने ही रुपये उसको दिए जाएंगे, बाकी को नहीं दिए जाएंगे। तो वापस वही फॉर्मूला आप आजमा सकते हो मेडिकल का, आपको क्या करना है इक्वल IF का फॉर्मूला लगेगा, आपको क्या करना है वापस से कोष्टक को चालू करना है ब्रैकेट को सॉरी, ठीक है। और बाद में आपको जो बेसिक सैलरी है वही उठानी है, बेसिक सैलरी हमने उठा ली, बेसिक सैलरी उठाने के बाद आपको क्या करना है ग्रेटर देन उठाना है, बाद में आपको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी है वो ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमको जो वो सैलरी है ना उसी के अंदर से हमको स्कीम है तो उसी के थ्रू हम देंगे। तो बाद में आपको क्या करना है कोमा लगा दीजिएगा, फिर कितने रुपए देनी है, अब मेडिकल आप कितने रुपए देना चाहते हो या कंपनी कितना देना चाहती है वो आपको यहाँ पे लगानी है। मान लीजिए 1,500 रुपये आप सिर्फ कंपनी आपको दे रही है, तो वही रुपये आपको लगानी है, यानी जिस व्यक्ति को या जिस इम्प्लॉय को सिर्फ 15,000 से ज्यादा या 15,000 मिल रहे हैं पैसे, उनको सिर्फ 1,500 रुपये मेडिकल खर्चा दिया जाएगा, बाकी के जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ आप चाहो तो 0 भी दे सकते हो और चाहो तो आप 500 रुपये भी दे सकते हो। तो यहाँ पे होने के बाद आपको क्या करना है इसको बंद करके एंटर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 1,500 रुपये एड हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये
प्लस वाला निशान बनेगा पूरा ब्लैक कलर का, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक देखो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे से, यहाँ पे हमने दिए है 1000 रुपये जो 14-15 हज़ार से कम है, और यहाँ पे हमने दिए 500 रुपये। तो मेडिकल एक्सपेंसिस के बाद यानी मेडिकल जो आपका खर्चा है उसके बाद कौन सा आएगा ऑप्शन, यानी आपके क्या आएगा ग्रोस सैलरी यानी टोटल सैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको देना होगा। तो इस कॉलम हम लिख देते हैं ग्रोस सैलरी, ठीक है। ग्रोस सैलरी के बाद अब हम क्या करना है, इनकी सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, यानी पूरी सैलरी कितनी हुई है, यानी वर्किंग डे अमाउंट से लेके हमको मेडिकल खर्चे तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लगाना है इक्वल, अब हमको यहाँ पे सैलरी ऐड करनी है यानी वर्किंग डे अमाउंट, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और प्लस वाला करते हैं। ओवर टाइम को बीच में छोड़ के हमको लेना है ओवर टाइम अमाउंट लेना है, और प्लस करके आपको लेना है हाउस रेंट लेना है, और प्लस करके आपको क्या करना है मेडिकल खर्चा लेना है, फिर आपको क्या करना है एंटर दे देना है। तो आपकी जितनी भी सारी की सारी सैलरी है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्लस वाला निशान है इसके ऊपर 2 बार क्लिक करके आप इस प्रकार से सबको एक साथ बना सकते हैं। उसके वाला आगे वाला जो ऑप्शन है वो आएगा ESI, यानी अलग अलग कंपनी की अलग अलग सर्विसेज होती है, वो क्या दे सर्विस में और क्या ना दे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं जो ESI है वो कर देता हूँ यानी 1%। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वर्किंग डे अमाउंट होता है ना हमारा, उसके अंदर से निकलेगा। तो अब क्या करते हैं इसको बराबर करके जो हमारी जो वर्किंग डे अमाउंट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको गुणा करते हैं 1%, क्योंकि हमको 1% ही मिल रहा है, तो हम इसको गुणा करके एंटर देते हैं, तो इसकी 140 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पे वापस आप क्लिक करके इसको भी पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हमके यहाँ पे लास्ट में आपकी कटती है PF, ठीक है। तो PF कटने के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमको वो कॉलम बनाना पड़ेगा, तो PF का बना लेते हैं। और PF कितनी कटती है, 10%, 11%, तो वो मैं एक बार 10% का बना देता हूँ, ठीक है। और इसको अब निकालते हैं परसेंटेज के साथ। तो जैसे ESI कटी था ना वैसे ही PF कटती है, तो वापस इक्वल और नेट हमारी जो सैलरी है यानी वर्किंग डे अमाउंट है वो इसके अंदर से माइनस होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं, और कितनी परसेंटेज है, 10% है, 10 लिख के इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और एंटर देते हैं, यानी 1400 रुपये इसकी महीने की PF कट जाएगी। तो वैसे ही इसको सिलेक्ट करके माइनस का ये निशान बनेगा इस प्रकार से। बाद में आपके जितने भी जो पीछे वाले यहाँ पे नंबरिंग आ रही है तो इनको भी आप माइनस कर सकते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट वाले जो ऑप्शन आएंगे उनको आप यूज करके बना सकते हो PF कटने के बाद। अब मान लो ये तो नहीं है ना कि सभी जितने भी इम्प्लॉई है इनको महीने टू महीने मिले, क्योंकि तो कुछ इम्प्लॉय के घर पे कुछ काम हो जाता है, उनको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वो एडवांस भी ले लेते हैं, तो हमको एडवांस का यहाँ पे ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो एडवांस कॉलम भी बना देते हैं। तो एडवांस लिखने के बाद अब जो हमारा जो कितनी है एडवांस, इसने कितना रुपए लिए, तो हम यहाँ पे ये एडवांस होता है वो सीधा ही लिख लेते हैं, यानी इस बंदे ने हमसे 3000 रुपये एडवांस ले लिया, और इसने कितने लिए हैं 3500 रुपये। तो इस प्रकार से जितने भी बंदे हैं वो जितने एडवांस लिए हैं तो आप उनको सेलेक्ट करके इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप इनको सेलेक्ट करो एक कोई तो फिर आप क्या बनेगा, सिर्फ 3500 रुपये आएगा, और इनको सेलेक्ट करते हो तो फिर आपके ऑटोमेटिक आगे चलता रहेगा, यानी इसने 4000 ले लिए, 5000 ले लिया, 10000 ले लिए, ये एडवांस इसने ले लिए, यानी 1-2 महीने के पहले भी एडवांस में आ जाता है वो। अब एडवांस के बाद में आता है नेट सैलरी। अब यानी इसने ठीक है वर्किंग अमाउंट तो जो है डे वो तो इसने 14000 रुपये है, फिर ये सारा कुछ मिला के अब जो टोटल होता है यहाँ पे वो तो हो गई टोटल सैलरी 22500 रुपये। अब मान लो ये ESI भी कट गई, PF भी कट गई, और एडवांस भी इसके माइनस होने हैं, तो यहाँ पे अब इसके पीछे कितने पैसे मंथली के कितने पैसे बचे हैं वो यहाँ पे हमको करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नेट अमाउंट कितना रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट सैलरी, ठीक है। ये बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसकी नेट सैलरी बनानी पड़ेगी। तो नेट सैलरी बनाने के लिए यहाँ पे तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ग्रो सैलरी के अंदर सबको प्लस किया था, और यहाँ पे हमको इनको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए वापस से क्या करना होगा, यानी इक्वल, अब हमको यहाँ पे क्या करना है जो वर्किंग डे अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अब हमको क्या करना है, जैसे माइनस करना है, ठीक है। किसको माइनस करना है, यानी आपको जो ओवर टाइम है इसको भी आप यहाँ पे माइनस भी कर देना, ओवर टाइम अमाउंट है इसको भी, ठीक है। और फिर आपके जो आगे वाला कॉलम है वो आपको उठाना है हाउस रेंट वाला, तो यहाँ पे माइनस का निशान बना के आप हाउस रेंट उठा लो। हाउस रेंट उठाने के बाद में अब आपको लास्ट में उठाना है मेडिकल खर्चा, तो यहाँ पे मेडिकल खर्चे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से सारी सारी सेलेक्ट करनी है, यानी 1, 2,
वर्किंग डे हो जाएगा और बाद में आ जाएगा एक ओवर टाइम, और ओवर टाइम बाद में आपके आ जाएगा एच यानी हाउस रेंट, और हाउस रेंट के बाद में आ जाएगा आपके मेडिकल खर्चा। ये आने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, एंटर दे सकते हो। अब जिस इस बंदे के इतनी सैलरी है जो 22,500 में से, तो इसकी लगभग इतनी नेट सैलरी रही है, इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार से पूरी की पूरी सैलरी आ जाएगी इन बंदों की इतनी सैलरी के लिए। और इन बंदों की यहाँ पे देखो वर्किंग डे के अंदर कितनी आती है, तो यहाँ पे नेट सॉरी वर्किंग डे के अंदर इस बंदे की मान लो ये है, तो इस बंदे की 3,000 रुपये यहाँ पे आती है, और इसने कितने दिन काम किया है, 18 दिन काम किया है, तो इसकी बेसिक सैलरी वो 5,000 थी और उस ये 18 दिन आया तो वह 3,000 सैलरी हो गई, और फिर ओवर टाइम इसने किया तो फिर वो 3,000 एड ओवर हो गए, और हाउस रेंट की इसको 1,000 रुपये मिल गए, मेडिकल के मिल गए, और फिर आपकी इसकी ग्रोथ सैलरी भी 7,500 रुपये। ठीक है, तो 7,500 रुपये हुई, फिर इसकी 30 क्या होगी, ईएसआई कट गई, 300 रुपये पीएफ कट गई, और इसने एडवांस कितने ले लिए, 8,000 एडवांस ले लिए, सैलरी थी 5,500 और 8,000 इसको एडवांस ले लिए, तो ये माइनस के अंदर चला गया 1,500 रुपये। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक पूरी की पूरी सैलरी बना सकते हो यानी सैलरी शीट बना सकते हो। अब जैसे ये कॉलम यहाँ पे बना है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं लास्ट एन तक, और इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज सेंटर कर देते हैं यहाँ से। अब हमको इन सभी को सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से सबको जितनी है उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये सारी की सारी इस प्रकार से ऑल बॉर्डर बन जाएगी। ये वाला जो आपका कॉलम है इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो बड़ा ये दिख रहा है इसे इसको बड़ा कर दीजिएगा, और इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दीजिए, और जितने भी ये है आपके जितने भी नाम लिखे हैं एम्प्लॉय के, ये जितने भी कॉलम है इनको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दीजिएगा, और फिर इसका भी आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से पूरी पूरी आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉई है आईडी लिख दो उनकी, कितनी है, इम्प्लॉय नाम हो गया, बेसिक सैलरी होगी, वर्किंग डे हो गया कितने दिन काम किया है, वर्किंग डे अमाउंट हो गया कि आपने जितने दिन काम किया है उसकी सैलरी आपको इतनी मिलेगी, ओवर टाइम कितने दिन काम किया वो यहाँ पे आ जाएगी, ओवर टाइम अमाउंट कितना होता है वो आ जाएगा, हाउस रेंट 3,000 रुपये, मेडिकल 1,500 रुपये, और टोटल सैलरी 22,500 रुपये है, वन ईएसआई आपके 1% कट गई, पीएफ 10%, एडवांस इसने 3,000 लिए थे तो इसके बाकी कितने रह गए, यानी इसका नेट सैलरी अब सिर्फ 5,500 रुपये है। तो आप इस प्रकार से क्या बना सकते हो, एक किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, या खुद का काम कर रहे हो, तो आप एक सैलरी शीट बना सकते हो अपने इम्प्लॉयज के लिए। तो दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, यार वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि किसी के आसपास घरों के अंदर अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उनके वो साउंड वगैरह होता है, तो उनकी वजह से हमको वीडियो बीच में रोकना पड़ता है। तो प्लीज़ दोस्त ये हमारी प्रॉब्लम को आप समझना यारो, और वीडियो को सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपने जो हमने शीट बताई है उसको हमने आपको अच्छे से समझाया है या नहीं समझाया, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हमको बताइएगा। और अगर हमारी YouTube फैमिली के ऊपर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। मिलते हैं कि जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद जय भारत।